अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो बिना एडिट किया हुआ ऑडियो है, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो लेक्सिस ऑडियो एडिटर से एडिट किया हुआ ऑडियो है। तो आप देख ही सकते हैं इन दोनों ऑडियो में कितना ज़्यादा अंतर है। तो हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज करके अपनी YouTube वीडियो के लिए वॉइस को एडिट कर सकते हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी ऑडियो में किसी भी तरह का बैकग्राउंड नॉइज आता है तो फिर आप कैसे सिर्फ एक क्लिक में अपनी ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट अगर आप सही तरीके से मोबाइल से ऑडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में ऑडियो एडिटिंग के सारे टूल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, और मैं इसे डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, जहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपको इस तरह का दिखाई देगा। नीचे में आपको टाइमलाइन दिखेगा, यहाँ आप अपनी ऑडियो को एडिट करने के लिए इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इस ऊपर में ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से जिस भी ऑडियो को एडिट करना चाहते हैं उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक ऑडियो फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं ऑडियो इस टाइमलाइन में आ गया है। ऊपर में इस प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ऑडियो को आप सुन सकते हैं। इस पे क्लिक करके ऑडियो को प्यूज कर सकते हैं, और इस रेड सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि ये एक ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन है, ना कि वॉइस रिकॉर्डर। इसलिए अगर आप यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी ऑडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। और आप सही तरीके से ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने कई सारा वीडियो बना के रखा है, और इस वीडियो के एंड में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर देखिएगा। तो दोस्त, जब भी हम कोई ऑडियो को एडिट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है ऑडियो के बेकार पार्ट को रिमूव करना, यानी कि ऐसा पार्ट जहां पर ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कुछ बोला ही नहीं हो। तो हमें ऑडियो के ऐसे बेकार पार्ट को ऑडियो से रिमूव कर देना होगा। इसके लिए सबसे पहले ऑडियो के उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिस पार्ट को आपको डिलीट करना है, यानी कि रिमूव करना है, और आप इन दोनों पॉइंटर का यूज करके अपनी ऑडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप ऊपर में इस जूम वाले बटन का यूज करके अपनी ऑडियो के वेव लाइन को जूम कर सकते हैं, जिससे आपको ऑडियो के पार्ट को सेलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगा। तो आपको इस लेफ्ट वाले पॉइंटर को उस जगह पर सेट करना है जहां से आप अपनी ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं, और राइट वाले पॉइंटर को उस जगह पर सेट करना है जहां तक आप अपनी ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे इस पार्ट को रिमूव करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है। तो मैं इसे पॉइंटर की हेल्प से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ऊपर में इस थ्री डॉट पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी में से एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपके ऑडियो के जितना पार्ट को आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी ऑडियो के सारे बेकार पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका सेलेक्ट किया हुआ पार्ट रह जाएगा, और बाकी सारा अनसेलेक्टेड पार्ट डिलीट हो जाएगा। और कट और कॉपी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अगर आप यहाँ से कट करते हैं तो वो यहाँ से कट हो जाएगा, और जिस जगह पे आप पेस्ट करिएगा वो यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है अंडो का, अगर आप ऑडियो एडिट करते टाइम कुछ गलत स्टेप को ले लेते हैं तो आप इसका यूज करके वापस आ सकते हैं, यानी कि वन स्टेप पीछे हो सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जितना भी काम आपको करना है वो सब के सब इस इफेक्ट वाला ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस इफेक्ट वाले सारे ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि यह सब ऑप्शन आपकी ऑडियो को बेहतर बनाता है। तो सभी को ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फेड इन का, अगर आप फेड इन को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी ऑडियो का साउंड स्टार्टिंग में जीरो रहेगा, और धीरे धीरे करके ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसा कि आप इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं, और धीरे धीरे करके अंत में ये नॉर्मल हो गया है। और अब ऑप्शन है फेड आउट का, अगर आप फेड आउट का यूज करते हैं तो फिर ये फेड इन का उल्टा काम करता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी ऑडियो का साउंड नॉर्मल रहेगा और धीरे धीरे करके अंत में ये जीरो हो जाएगा, जैसा
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आप ऑडियो के जितने पार्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे आपका इफेक्ट उस सेलेक्टेड पार्ट में ही अप्लाई होगा, बाकी का अनसेलेक्टेड पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिलहाल हम इसे अंडो कर लेते हैं। इसके बाद आपको इफेक्ट में नॉर्मलाइज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नॉर्मलाइज का यूज करते हैं तो फिर आपके ऑडियो का साउंड अगर 0 डेसिबल से कम है तो ये बढ़कर 0 डेसिबल तक आ जाएगा, या फिर अगर आपके ऑडियो का साउंड 0 डेसिबल से ज़्यादा है तो ये घटकर 0 डेसिबल तक आ जाएगा। यानी कि अगर आपके रिकॉर्ड करते टाइम कहीं पे धीरे से बोला हो या कहीं पे जोर से बोला हो तो ये उन ऑडियो को नॉर्मल यानी कि 0 डेसिबल तक कर देगा। इसके बाद आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रिवर्स का यूज करते हैं तो फिर आपकी ऑडियो के स्टार्टिंग का पॉइंट एंड में चला जाएगा और एंड का पॉइंट स्टार्टिंग में चला जाएगा, यानी कि जो आपका ऑडियो है वो उल्टा हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है चेंज पिच का। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसे स्लाइड करके इस तरह से आगे करते हैं और फिर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो फिर आपकी ऑडियो कुछ इस तरह से आवाज करने लगेगी, और अगर पीछे की तरफ स्लाइड करके अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी ऑडियो कुछ इस तरह की हो जाएगी। यानी कि इसका यूज करके आप अपनी आवाज को किसी बड़े इंसान की तरह लाउड या किसी बच्चे की तरह श्रील बना सकते हैं। उसके बाद आपको चेंज टेम्पो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं बिना पिच को चेंज किए हुए। अगर आपको लगता है कि आपने ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम काफी स्लो में बोला हो तो आप इसका यूज करके अपनी ऑडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर इसे स्लाइड करके आगे कर दोगे तो फिर आपकी ऑडियो की स्पीड कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको चेंज स्पीड का मिलेगा। तो आप इसका यूज करके भी आप अपनी ऑडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ से आपकी पिच भी चेंज हो जाएगी। जैसा कि मैं अगर यहाँ से इसे बढ़ाकर इस तरह से अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और इसे प्ले करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, तो ऑडियो कुछ इस तरह की हो जाती है। तो आप इसे अपने जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद इस ऑडियो एडिटर का सबसे बेस्ट फीचर नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन आता है। इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो के बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। सबसे पहले आपको 3 सोल्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसे आगे की तरफ स्लाइड करके 6 डेसिबल पर सेट करते हैं तो फिर आपकी ऑडियो में 6 डेसिबल से नीचे का जो भी साउंड होगा नॉइज रिडक्शन सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। और अगर आप इसे स्लाइड करके 60 डेसिबल तक ले जाते हैं और फिर अप्लाई करते हैं तो फिर 60 डेसिबल से नीचे के साउंड पर नॉइज रिडक्शन अप्लाई होगा। वैसे नॉर्मली मैं इसे 15 से 20 dB के बीच में रखता हूँ, तो आप भी यहाँ रख सकते हैं। बाकी आप अपने ऑडियो के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह नॉइज का लेवल एक जैसा नहीं होता है। कहीं नॉइज कम होता है तो कहीं नॉइज ज्यादा होता है। तो मेरे पास जो नॉइज आता है तो मैं यहाँ से 15 से 20 के बीच में ही रखता हूँ। इसके बाद आपको रेट का ऑप्शन मिलेगा। इसका बेसिक काम ये होता है कि आप अपनी ऑडियो में नॉइज डिटेक्शन के इफेक्ट को कितना ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इसे 60% सेट करके अप्लाई करते हैं तो फिर नॉइज डिटेक्शन का इफेक्ट, और अगर आप इसे 100% सेट कर देते हैं तो नॉइज डिटेक्शन का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होगा। वैसे नॉर्मली मैं इसे 80 से 90 के बीच में रखता हूँ, आप भी इतना रख सकते हैं। इसके बाद आपको अटैक एंड रिलीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें अटैक का मतलब ये होता है कि आप नॉइज रिडक्शन के इफेक्ट को कितना जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, और रिलीज का मतलब ये होता है कि आप नॉइज रिडक्शन के इफेक्ट को कितना जल्दी हटाना चाहते हैं। वैसे आपको इसमें कोई भी चेंजेज नहीं करना है, इसे डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही रहने देना है। इसमें लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा लो पास फिल्टर का। अगर आप इसे स्लाइड करके 10,000 हर्ट्ज पर कर देते हैं तो 10,000 के ऊपर का जितना भी साउंड होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, और अगर इसे 1000% सेट करते हैं तो फिर 1000 से ऊपर के जो भी साउंड होगा उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि आप जितने पर यहाँ पर सेट करिएगा उससे ऊपर के साउंड को ये काफ़ी कम कर देता है। नॉर्मली मैं इसे 10,000 से 13,000 के बीच में रखता हूँ, आप भी इतना ही रख सकते हैं।
इसके बाद इस प्ले वाले बटन पर क्लिक करके आप अपनी ऑडियो को सुन भी सकते हैं कि इफेक्ट लगाने के बाद आपकी ऑडियो कैसा आवाज करेगा। और अगर सब सही लगता है तो फिर इस अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना, आपकी ऑडियो से जितना भी बैकग्राउंड नॉइज होगा वो सब नॉइज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि नॉइज तो रिमूव हो जाता है बट आपकी ऑडियो की क्वालिटी भी काफी डाउन हो जाता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप नॉइज रिकॉर्ड करते टाइम जितना हो सके नॉइज के लेवल को कम करने का प्रयास करें, यानी नॉइज को मेंटेन करने का ट्राई करें। इसके बाद आपको कंप्रेसर का ऑप्शन मिलता है। इसका बेसिक सा काम ये है कि अगर आपकी ऑडियो में किसी भी जगह साउंड ज्यादा है तो ये इसे कम कर देगा, या फिर कहीं ऑडियो में साउंड कम है तो ये इसे ज्यादा कर देगा, यानी कि ये आपकी ऑडियो को ओवरऑल ऑडियो के साउंड को एक लेवल तक ले आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से 20 dB पर सेट करता हूँ तो 20 dB से ऊपर के साउंड ही कंप्रेस होगा और इसके नीचे के साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो नॉर्मली मैं इसे 25 dB 40 dB तक रखता हूँ, आप भी ये रख सकते हो। इसके बाद आपको रेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसकी सेटिंग को आप जैसे है वैसे ही रहने देना। इसके बाद ऑप्शन मिलता है अटैक एंड रिलीज का, इसका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है अटैक एंड रिलीज का मतलब क्या होता है। तो इसकी सेटिंग को भी आप डिफॉल्ट ही रहने देना। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मेकअप गेन का, तो इसका यूज करके आप अपनी पूरी ऑडियो के साउंड को बढ़ा सकते हैं, तो इसे भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और सारी सेटिंग को करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करते ही आपकी ऑडियो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेसर के बाद ऑप्शन मिलता है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर का, इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो में बेस या ट्रेबल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें 60 से लेकर 300 तक बेस का इफेक्ट होता है और 4000 से 16000 तक ट्रेबल का इफेक्ट होता है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो में बेस ज्यादा हो जाए तो फिर इन तीनों को थोड़ा स्लाइड करके ऊपर कर दीजिएगा। और अगर आप अपनी ऑडियो को क्रिस्पी बनाना चाहते हैं यानी कि ट्रेबल इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर लास्ट में इन तीनों को ऊपर कर दीजिएगा। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है प्री एम्पलीफायर का, तो आप यहां से ये सेट कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो पर एम्पलीफायर का इफेक्ट कितना ज्यादा अप्लाई हो, तो इसे भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करते ही आपकी ऑडियो पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको इको का ऑप्शन मिलता है, इको का मतलब होता है आवाज का रिपीट होना। अगर आप इसका यूज करते हैं तो फिर आपकी ऑडियो कुछ ही तरह से आवाज करने लगेगा, तो आप इसे अपने जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप मोटिवेशनल टाइप का ऑडियो एडिट करना चाहते हैं तो फिर आप इसका यूज जरूर कीजिएगा, इससे आपकी ऑडियो काफी अच्छी हो जाती है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है रिवर्ब का, इसका मतलब होता है आवाज का गूंजना, यानी कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो फिर आपकी ऑडियो कुछ ही तरह से आवाज करने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बंद कमरे या खाली हॉल में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी ऑडियो में भी इस तरह का इफेक्ट आए तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है वोकोडर का, नॉर्मल वॉइस एडिट करते टाइम इसका यूज नहीं होता है, तो मैं भी इसे स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपको कन्वर्ट स्टीरियो एंड मोनो का ऑप्शन मिलता है। मोनो का मतलब होता है कि आपकी ऑडियो कुछ ही तरह से रहेगा, यानी कि ऑडियो में सिर्फ सिंगल ट्रैक रहेगा। और स्टूडियो में ऑडियो इस तरह से हो जाती है, यानी कि यहाँ से आप लेफ्ट एंड राइट दोनों पर अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप लेफ्ट एंड राइट को एक्सचेंज कर सकते हैं, मोनो से स्टूडियो, स्टूडियो से मोनो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल का एडिटिंग करना चाहते हैं तो फिर आप स्टूडियो का ही यूज कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है म्यूट LR का, तो इसका यूज करके आप लेफ्ट या राइट किसी भी साउंड को म्यूट कर सकते हैं। सारे सेटिंग को अप्लाई करने के बाद बारी आती है ऑडियो को एक्सपोर्ट करने का, तो आप इस ऊपर में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ऑडियो को सेव कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी ऑडियो को काफ़ी अच्छी तरह से एडिट कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर के हर ऑप्शन के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह गया हो वीडियो में तो कॉमेंट करके ज़रूर सजेशन दीजिएगा ताकि मैं उसे आगे सुधार सकूँ। वैसे इस पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स।